नमस्कार, मैं यशवंत धोटे और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों के छत्तीसगढ़ कनेक्शन की। दोनों ही राज्यों में ठीक चुनाव के पहले वाले एग्जिट पोल और राजनीतिक विश्लेषकों की राय में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। यहां तक कि धरातल पर काम करने वाले भाजपा के नेता व कार्यकर्ता भी दावा नहीं कर पा रहे थे कि सरकार भाजपा की बनेगी, लेकिन पिछले 10 साल में अधिकांश बड़े राजनीतिक निर्णयों से देश को चौंका रही भाजपा ने इस बार भी चौंकाया। पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों की। जैसे कि पूरे देश में हवा चल रही थी कि 10 साल से राज कर रही भाजपा को हरियाणा में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन धरातल पर भाजपा की चुनाव मशीनरी शानदार काम कर रही थी, यानी राजनीति को राजनीति की तरह कर रही थी। जैसे कि खबरें आ रही है, संघ ने ही 2000 से ज़्यादा बैठकें कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाए। कांग्रेस के अंदर खाने गुटबाजी को रसद पानी भी मिलती रही। आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस के बागी होकर लड़े कम से कम 17 निर्दलियों ने 10 से लेकर 50,000 तक वोट पाए, जो भाजपा प्रत्याशी की जीत के अंतर से ज़्यादा थे। हालांकि इसके बावजूद सरकार के 9 मंत्री चुनाव हार गए। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस में असल लड़ाई मुख्यमंत्री पद को लेकर थी, जो पार्टी के लिए घातक साबित हुई। कांग्रेस की सांसद शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चला आंतरिक संघर्ष चरम पर था, जिसका असर चुनाव परिणाम में दिखा। कमोबेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में रही। समानताएं कुछ ऐसी थी कि यहां भी 90 सीटें और कांग्रेस में कई गुट। दरअसल 2018 में बंपर जनादेश से बनी कांग्रेस की सरकार और उसमें बैठे लोगों को यह लग ही नहीं रहा था कि 2023 में सत्ता से बाहर हो जाएंगे, और सारे एग्जिट पोल भी यही बोल रहे थे। चुनाव से पूर्व तो वैसे दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनने के भरपूर अवसर थे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के 3 दावेदार थे। हालांकि ढाई ढाई साल के फार्मूले ने कांग्रेस को अंदर से खोखला कर दिया था। 68 सीटें जीतकर सत्ता में आने वाली कांग्रेस के पास चुनाव आते तक 71 सीट हो गई थी। उधर भाजपा का एक सूत्री नारा था कि यदि हम 2018 में 50 सीटों से 15 पर आ सकते हैं तो कांग्रेस को 71 से 41 पर लाने कोई दिक्कत नहीं, और भाजपा ने इस दिशा में काम किया। भाजपा के इस दावे को हवा में उड़ाते कांग्रेस ने 70 पार का नारा दे दिया था। 34 सीटें पाकर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। हरियाणा के चुनाव में इस बार कोई पार वाला नारा नहीं लगा और भाजपा ने चौंका दिया। छत्तीसगढ़ में जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार थे उनके प्रभाव क्षेत्र से कांग्रेस हार गई। जैसे सरगुजा से TS बाबा समेत 14 सीटें हार गई। पूर्व मुख्यमंत्री के दुर्ग संभाग की 20 में से 12 सीटें हार गई। बहरहाल कांग्रेस राज्य में फिर एक बार संघर्ष के दौर में है और आलाकमान महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तैयारी में व्यस्त है।